Hey guys, it's Shannon. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, बहुत लोगों ने बोला much requested video है कि Ukhano के नई video पे react करो जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी wife से कैसे मिले। So guys, I've been following Ukhano on Instagram and वो और उसकी wife वो दोनों बहुत ही amazing stories डालते हैं wife cam से। तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है, वो देख के बहुत मजा आता है एंड वी रियली एक्साइटेड टू नो कि ये लोग कैसे मिले। तो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, पहले आप वो चेकआउट कर लो एंड अभी हमारे साथ रिएक्शन देख लो। लेट्स गो। वाइफ अभी भी दिखाई नहीं होता शक्ल। हाँ। सी टेम्परेचर पे लड़ेंगे। चलो काउंसलर, सो हु वांट्स टू स्टार्ट? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तुम्हारा ही आइडिया था यहाँ पे आना एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ऐसे करते हैं ना, जरा थोड़ा शुरू से आते हैं। तो आप लोग कैसे मिले? सच्ची शक्ल लेने गए। क्या मैं की मदद कर सकता हूँ? चले। अच्छा ये सही नहीं होगा, वो बताइए सही है। सेम चीज़ पे आ जाओ। कोको एंड भी साथ आइला सही। ऐसा तो डेफिनेटली नहीं था। ये असली में ऐसा नहीं हो सकता यार। गुंडे। ओह, ये उसका भाई नहीं है Ukhano का? आपका बैग। थैंक यू माय हीरो। आप लोग असल में इस तरह मिले थे? तुम बताओ ना। मैं सो वी मेट थ्रू स्नैपचैट। सॉरी स्नैपचैट। मेट थ्रू स्नैपचैट। बोला क्या? सो वी मेट थ्रू स्नैपचैट। ओह, स्नैपचैट के थ्रू? तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मतलब आजकल तो बहुत से यंग कपल स्नैपचैट पर मिलते हैं एक दूसरे को। खैर, आप आगे क्या हुआ? फिर हमारी निकाह हुई। थ्री मंथ्स? वाओ, दैट्स फास्ट। टेल मी अबाउट इट। व्हाट डिड यू से? ओह सॉरी, निकाह के बारे में। आप शादी से लगी थी मुझे सीन। हाँ, ये तुम निकाह नामा साइन करने में इतनी देर क्यों लगा रही? I have lawyers in my family. It's called due diligence. तुम्हारी फैमिली क्या ही बात है? बात तो तुम्हारी फैमिली की है, always on time. शादी पे लेट कौन आया? अच्छा, एक सेकेंड
यार अभी हम निकाह की बात कर रहे थे, खुशियां बांट रहे थे, इतना मजे का ब्लॉग चल रहा था, उसका तो बताया ना। फिर निकाह के बाद क्या हुआ? लॉन्ग डिस्टेंस। ओह डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग पाकिस्तान में सिर्फ निकाह के लिए आई थी बट ओरिजिनली आई बिलोंग फ्रॉम सऊदी सो राइट आफ्टर द निकाह आई वेंट बैक टू सऊदी फॉर वन होल ईयर सो एनी इश्यूज ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस सो What do you think of the dress? It's not the one that we chose. Wedding dress ke issues the. Dress issues, wohi hote hain bhai. Phir kya hua? एक साल की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद फाइनली आवर वेडिंग डेट वाज सेट एंड आई वाज ऑन माय वे टू पाकिस्तान और हाँ जब आसपास इतनी खुशियाँ हों तो वेडिंग ड्रेस इश्यूज कैसे एंड आफ्टर ट्राइंग इट आउट आई एक्चुअली लाइक माय वेडिंग ड्रेस एंड नाउ टाइम टू बाय हिम हिज वेडिंग सूट हाउ डू यू लाइक योर सूट सूट रेडी हो गया जूते ये वाले नहीं पहनने जूते इस वक्त मेरे हाथ में असद जो है दुबई में शॉपिंग कर रहा होगा सो लेट्स चेक इन विद हिम कैसे जूते मिलेगी नहीं यार युखानो तेरी शादी के लिए तेरे शूज के लिए मुझे जल्दी आना पड़ा नहीं अभी ओके लॉक कर दिए जाए शादी की शॉपिंग और वेडिंग वेन्यू बुक करने के बाद फाइनली वी हैड टाइम कि हम घर के लिए अप्लायंसेस की शॉपिंग करें सो वी बोथ वेंट टू डॉल्स एक्सपीरियंस स्टोर इन पेशावर इस स्टोर की सबसे खास बात ये थी कि आप हर चीज ट्राई कर सकते थे बिफोर बाइंग इट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड हम दोनों मिलके दुनिया देखेंगे आंखों सा तो बन जाए यहाँ हम वेडिंग शॉपिंग खत्म कर रहे थे और वहाँ डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई Finally, the day has come. I'm on my way to Islamabad. The horse I'm taking with the entire family, team guardian, beach as well. The horse I'm taking around, my status is single. और जब मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरा स्टेटस चेंज हो चुका होगा मैरिज ब्लॉग जो है ना चालान के बगैर कंप्लीट होगा खास से हमारा सेकंड टाइम है ब्लॉग में मैं चालान हो रहा हूँ ऑन द मोटरवे बट इस बार मैं नहीं हूँ इस बार ना मैं इस बार मेरी बहन चालान भी है
और अबू फ्रंट से छोटी गाड़ी का चलान हुआ, कंफर्म कर दें। अच्छा छोटी गाड़ी का नहीं हुआ, छोटी गाड़ी का उस्मान साहब आपको चलान हो गया। वहाँ मेरी गाड़ी दुल्हन की तरह सज चुकी थी और यहाँ मैं अपनी शादी के कपड़े खुद इस्त्री कर रहा था अच्छे बच्चों की तरह। फाइनली रेडी, नाउ ऑफ टू द वेन्यू क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम शूट होना है। वेडिंग फोटोग्राफर कहाँ है? आपका मेकअप किसने किया? मिस फाइजा सैलून। मिस फाइजा सैलून, मिस फाइजा, शाउट आउट टू मिस फाइजा। मेरा मेकअप थोनियन गाय ने किया, मेकअप नहीं किया मैंने। करवा देना चाहिए। So done with the shoot. अब मैं वापस बाहर जा रहा हूँ, अच्छे लगे दोबारा एंट्री करूँगा with the boys. ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नहीं यार बस, I've committed. ये ले। मुरु सबर मुझे टिप्स दे रहा है शादी की, क्या क्या चीज चेंज करनी पड़ती है ताकि पीछे शुड हैव किड्स। ओह माय गॉड, दैट्स इट, लॉक द डी। ओह वाओ, तो यू हैव किड्स? हां, बट आई विश इट। और रूटीन में क्या फर्क आना चाहिए? हमारा रूटीन सुबह सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोना है, कि सेफ जिंदगी, नो वन व्हील, हैव द किड्स, हैव वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक। इतना खुश मैंने इससे पहले नहीं कभी देखा, इतना खुश यार। ये आखिरी खुशी है, इसके बाद जो है ना सिर्फ शादीशुदा बंदा मेरे साथ खड़ा है, इसके बाद सिर्फ गम ही गम। अब मैं जा रही हूँ रुखसत होने के लिए। थैंक यू सो मच बॉयज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शादी की तैयारियों से लेकर रुखसती तक सब खैर खैरियत से हो, बट द बेस्ट पार्ट वॉज द सलाम। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा।
तीन मेरा बराबर 50-50 बराबर है एवरीथिंग ओके ओके हैप्पी वेरी हैप्पी नो चीटिंग नो चीटिंग अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई नहीं नहीं यू आर ग्रेट Finally, Valima is over, the party is over, alhamdulillah, everything went smooth. Stop vlogging. Now you don't need to get into it. Why, boys? This is my nani. I have reached her prayers until I've reached here. So thank you, nani. But due to corona, we didn't come to the wedding. But we gave the whole coverage through the internet. Why, nani? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. अबू को मैंने थैंक यू नहीं किया अबू थैंक यू मेरी शादी करवाने के लिए कुछ टिप्स देंगे आप शादी कैसे चलती है यार अभी तक आपकी चल रही है तो मुझे प्लीज मेरा बकाया दे दो और जो खर्चे हुए मैंने उधार पे काम सब बता दिए सब बता दिए सुभान अल्लाह तस्वीरों ने मुझे तो उसे को नहीं मिला उसी का। No, we never got the pictures. स्टामोल बहुत ज़बरदस्त है किस इंतज़ार की। Should call them or something. चलें, time is up जी। जाते वक्त please इस्टिबिस्टी को मेरी fee देते जाइए। Thank you so much. No problem. Oh, by the way, आपने honeymoon का नहीं बताया? Oh, the honeymoon. Watch the montage. The montage. अच्छा हाँ ये लोग गए थे पर स्कार तो ही गए थे शायद बेस्ट बडीज शादी करवा ली इससे ज़्यादा honest क्या हो सकता है कुछ भी नहीं और जिस हिसाब से वीडियो बनाई है वीडियो का आइडिया acting मुरू I really appreciate कि इन सब का इतना cordial relationship है आपस में and although this is Ukhano's vlog and हमें नहीं पता पीछे what all went behind the scene but मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी that you know in my vlog someone is stepping up तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है And obviously, I love शादी वाले scenes and मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी that he was beyond excited for his own wedding और वैसे ही होना भी चाहिए if you're not excited for your own wedding and you're not enjoying अकेला अकेला पल of your wedding तो what's the point of getting married तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी and इन लोगों के जो भी ये लोग Instagram पे करते हैं मैं बहुत addicted हूँ मैं वो फॉलो करती हूँ अगर आप लोग नहीं करते तो आपको भी करना चाहिए इट इज़ वेरी क्यूट और इन लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है जेन्युइनली बहुत अच्छी है ये दोनों एक जैसे ही हैं रियली क्यूट टुगेदर शक्ल नहीं दिखाई बट ठीक है अच्छा लगता है मतलब आई रियली एंजॉय इट जैसे वो क्या बोलते हैं उसको वाइफ कैम करके वो बोलते हैं तो वो स्टोरीज वाइफ कैम से अपलोड होती हैं सो आई रियली एंजॉय दोस तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा व्लॉग था जैसे जन्नत ने बोला कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि ऐसे अपनी स्टोरी बताएंगे सो आई थरली एंजॉयड दैट मज़ा आ गया वो काउंसलर वाला पार्ट भी अच्छा था कि उन्होंने बस अपनी स्टोरी याद की एंड दे वर फ्रेंड्स अगेन So guys, this was our reaction and we really hope that you liked it. And if you did this video, ko like kar do, leave down a lovely comments and don't forget to subscribe guys. Aap log subscribe kar hi nahi rahe ho.
और आप लोग हमारी वीडियोस भी नहीं देख रहे हो. हमारे व्यूज क्यों कम हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा. आप लोग वीडियोस देख क्यों नहीं रहे हो. प्लीज लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट अस टू रिएक्ट ऑन एंड वी विल रिएक्ट ऑन इट. सो गाइस, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ. वी लव यू गाइस.